जय हिंद दोस्तों। दोस्तों श्रीलंका ने चीनी स्पाई शिप के देश में घुसने पर लगाई रोक और एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत ने तैयार किया सुरक्षा कवच, वहीं नेवी के लिए 6 सबमरीन के निर्माण का रास्ता साफ। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों श्रीलंकाई सरकार ने चीनी सरकार से कहा है कि वह हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप युआन वांग 5 की यात्रा को तब तक के लिए टाल दे जब तक कि दोनों सरकारों के बीच कोई और सलाह मशवरा न हो जाए। वहीं चीन के स्पाई शिप को 11 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर फ्यूल भरने और 17 अगस्त को छोड़ने के लिए निर्धारित किया गया था। दोस्तों युआन वांग 5 को साल 2007 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 11,000 टन है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के विशाल शिप के आने की जानकारी को लेकर हाल ही में भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर साफ शब्दों में कहा था कि वह उसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों पर असर डालने वाले किसी भी घटनाक्रम पर करीब से नजर रखता है। दरअसल श्रीलंका को भी पता है कि मुश्किल की घड़ी में भारत ने ही उसका साथ दिया था, चीन से मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में कहा जा सकता है कि श्रीलंका भारत की नाराजगी के आगे झुकने को मजबूर हो गया। वहीं भारतीय सेना ने स्मार्ट बनने की तरफ कदम उठाते हुए सॉफ्टवेयर की मदद से अपने बॉर्डरों की निगरानी करने जा रही है। इसके लिए भारतीय सेना बॉर्डरों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड सिस्टम की तैनाती करने जा रही है। माना जा रहा है कि AI बेस्ड सिस्टम मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान काफी मदद करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात कर रही है। सोर्सेस के मुताबिक भारतीय सेना बॉर्डरों पर AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम को तैनात करने के अलावा इसका इस्तेमाल एक्चुअल टाइम के सोशल मीडिया निगरानी, पैटर्न की पहचान और ऐसे कई चीजों पर रखने के लिए भी कर रही है। और एक सोर्स ने बताया कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पैदा करने के लिए AI बेस्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैनात किया गया है। दोस्तों असल में भारतीय सेना लंबे समय से खुद को स्मार्ट बनाने पर काम कर रही है और इसके लिए मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में AI लैब की स्थापना की गई, जिसमें AI प्रोजेक्ट्स की तैनाती के लिए प्रोडक्शन एजेंसी को देने से पहले इन हाउस टेस्टिंग की गई। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन नेवी के लिए 6 नए सबमरीन के निर्माण के लिए $7 बिलियन के डील को आगे बढ़ाने के लिए समस्याओं को दूर करते हुए निविदा में चल रहे संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की अनुमति देगा और हाल ही में हुई एक हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री की बैठक में चल रहे टेंडर में संशोधन के लिए मंजूरी दी गई थी। साथ ही प्रोग्राम की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को नहीं बदला गया है और फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा। नेवी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वह निविदा में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं देगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 नए सबमरीन के लिए टेंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के तहत प्रोसीड किया जा रहा है, जिसके मुताबिक एक इंडियन फर्म के साथ मिलकर एक फॉरेन सेलर द्वारा ज्वाइंट रूप से सबमरीन्स का निर्माण किया जाएगा और फॉरेन पार्टनर को कोलैबोरेटर व सपोर्टर के रूप में जाना जाएगा, जबकि इंडियन कंपनी को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में जाना जाएगा। वहीं कानपुर में सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले देश के सबसे एडवांस टैंकों में शामिल T-90 में लगने वाली इलेक्ट्रिक मोटर को देश के ही डिफेंस एंटरप्रेन्योर ने तैयार कर लिया है। इसका टेस्ट भी सफल रहा है। इसके लिए MG टेक्निकल के प्रोपराइटर मनोज गुप्ता को डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट आर्मर्ड व्हीकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने चेन्नई में आयोजित सेलिब्रेशन में सम्मानित किया। और अभी तक इलेक्ट्रिक मोटर को रूस से इम्पोर्ट करना पड़ता था। साथ ही तिलक नगर में रहने वाले मनोज गुप्ता ने बताया कि उनकी यूनिट तीनों सेनाओं के लिए डिवाइसेस बनाती है और इसकी सप्लाई ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज को की जाती है। उनके मुताबिक कुछ समय पहले मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ ने एक करार के तहत इलेक्ट्रिक मोटर तैयार करने का ऑर्डर दिया था और इसे एक साल में तैयार किया गया है। इस मोटर को गियर बॉक्स में लगाकर टैंक को आसानी से रोटेट किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। AVNL की ओर से ट्वीट कर बताया गया कि इस डिवाइस के बनने से 3 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।